हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और आज की वीडियो में मैं आपको न्यू मोड खेल के बता रहा हूँ जो न्यू अपडेट के बाद आया है। और सबसे पहला तो देखो, इसमें न्यू फीचर ये है कि इसी न्यू अपडेट में कि अगर आपकी लेफ्ट कॉर्नर पर आपको ऑटो जंप का दिख रहा है, अगर आप जंप करने के बाद मार्क करने के बाद अगर जंप कर दो तो खुद ही उसी मार्क पर आपको ले जाएगा। ये देखो जैसे मेरा प्लेयर जा रहा है ऑटोमेटिकली, आप लोग मेरी जिगल देख सकते हो, मैं थर्ड आई यूज़ कर रहा हूँ, मेरा प्लेयर खुद ही जा रहा है। और ये फ्यूचर देखो उन लोगों के लिए सही है जिनसे अभी उतरना नहीं आता, जो लोग पबजी न्यू खेल रहे हैं, लेकिन मेरे लिए सही नहीं है क्योंकि यार ये इतनी फास्ट नहीं उतार रहा जितनी हम लोग उतार लेते हैं खुद ब खुद। और मैं अभी यहाँ पे येलो जो लाइन सी है इस पर जा रहा था देखने के लिए यहाँ पर क्या है, लेकिन भाई आप लोग देखना है यहाँ पर क्या है, कुछ भी नहीं भाई, कहीं भी येलो लाइन बना देते हैं यहाँ पर कुछ भी नहीं होता शायद। फिलहाल ये पहला मैच था मेरा और मैं इस फैक्ट्री पर उतरा था। देख न्यू, देखो यार न्यू में एक तो ये फैक्ट्री आई है और बस वगैरह आई है, स्टेशन आया है, वो सब मैं आपको इस वीडियो में दिखा दूंगा। और एक रोबोटिक डॉग आया है जिसको पेट्रोल रोबोट बोल रहे हैं लोग, और वो क्या करेगा अगर आप उसको अपने टिकट कर लोगे और तो वो आपको लूट बताएगा कहाँ का लूट। ये उसका काफ़ी अच्छा काम है, ठीक है, और उसको आप अपने पीछे फॉलो भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ आपको इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा। फिलहाल यहाँ पर कुछ बंदे उतरे थे और इस बंदे को पिस्टल से मैंने चकमा देने की कोशिश की और ये मुझे पागलों की तरह ढूंढ रहा था क्योंकि इसको पता था इसके पास पिस्टल है और इस बंदे के पास अच्छी खासी गन थी, लेकिन आखिरकार आकर यहाँ पर मुझे M16 मिल जाती है। और बंदा भी मिल जाता है, इसको मारती तभी। अब देखो इसको मारने के बाद जब मैं हील कर रहा था तो मेरा हील पे यहाँ पे ध्यान जाता है, यहाँ पर आप अगर देखो, अगर यहाँ पर आप कवर ले रहे हो जहाँ पे मैं ले रहा हूँ और आपका टीममेट सामने ले रहा है और सामने कुछ बंदे हैं और आप उसके पास जा नहीं सकते, तो आप लोग क्या करोगे, स्मोक करके जाओगे। लेकिन आप क्या कर सकते हो, आप लोग ये भी कर सकते हो, देखो आप हील थ्रो करके भी दे सकते हो और ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। और ये ऑप्शन देखो सारे मैप में है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन सारे मैप में, और वो ऑटो जंप का और जो रोबोटिक डॉग का था वो सिर्फ इसी मैप में और इसी मोड में है, लेकिन ये जो हिल फेंकने का ऑप्शन है ये सारे मैप में फैक्ट्री। यार देखो यार ये इस टाइप की बनी हुई थी कुछ के, यहाँ पे पता नहीं चल रहा था बंदे कहाँ कहाँ कैंपिंग कर रहे थे, बस मैं जहाँ पे जो भी दिख रहा था मैं उसको मारता जा रहा था, लेकिन भाई यहाँ पर एक बंदा पता नहीं किधर था, शायद ऊपर था और अच्छा वाला कैंपर था। फिलहाल आते हैं दूसरे गेम प्ले पे और यहाँ पर मैं आपको दिखा देने वाला हूँ, यहाँ पर देखो आप लोग फनी सा मूवमेंट भी देख लेना। पहले तो हम उतरे देखो रोजोक के पास, जो पानी वगैरह होता है यहाँ पर उतरे, और यहाँ पर एक स्टेशन था बस का, इसीलिए मैं यहाँ पर ही उतरा, शॉटगन ही मिली मुझे और मैं इस बोट पे भी चला गया। लेकिन यार इस बार मेरा टीममेट साथ में था और वो रिवाइव दे देता है मुझे। रिवाइव मिलती है जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ तभी वो बोट दोबारा दिखता है, और इस बार इसको मैं नहीं छोड़ने वाला, और जैसे इसको फिनिश किया तभी एक और दिखता है मुझे, ये पता नहीं ये बोट था या बंदा था। Marked a location. Marked a location. जो भी था, लेकिन मुझे एक MK-14 म्यूटेंट दे गया जो मेरे काफी काम आई। अब एक बंदा टीममेट पे अटैक करता है तभी अटैक द मार्क,
ये तो फिनिश नहीं हुआ, इसके टीममेट के मौके पे था मैं, वो दिखा मुझे और मौका मिल भी जाता है। वो मिनी वाला बंदा इन्हीं में से एक था, ठीक है, और इनको मारने के बाद काफ़ी अच्छी खासी हमको लूट भी मिल जाती है, स्कारल एंड M762 और एक न्यू मजल भी मिल जाती है जो इस मोड में आई है। चेक कर तो उसमें जो काफ़ी अच्छी मजल है यार, रिकॉइल भी बहुत कम हो रहा है इससे। और एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, ये इससे आप कहीं भी कवर बना सकते हो। जैसे आप लोग इस पर टैप करोगे कुछ ऐसा निकलेगा और छोड़ दोगे तो वहीं पर ही कवर बन जाएगा। अब देखो गाइस आता है वो फनी मोमेंट, अब हम थे देखो बस की तरह बस चल चुकी थी, और चलती हुई बस में क्या है कि आप लोग अपने टीममेट को या किसी को भी रिवाइव नहीं दे सकते, बार बार कैंसिल होता रहेगा। मैं कई बार कोशिश करूंगा लेकिन ये रिवाइव तभी होएगा मेरे टीममेट जब ये बस स्टेशन पर रुकेगी। अब यहाँ पर देखो जैसे ही टीममेट बाहर निकला मैं भी निकलने की सोच रहा था तभी ये बस चल देती है। और यार सबसे बढ़िया बात तो ये थी कि ये मुझे जोन से बाहर लेकर जा रही थी और काफ़ी दूर जाकर ये रुकती है और मेरा टीममेट भी भरा जाता है जब तक। इसने बहुत दूर आकर मुझको छोड़ा और मैं था यार यहाँ पर दूसरी बस के वेट में जो जोन की तरफ जाने वाली थी। और देखो यार यहाँ पर क्या होता है मेरे साथ, यहाँ पर गाइस जो मेरे साथ होने वाला है वो आपके साथ भी हो सकता है, क्योंकि यार इन बसों में बंदे कैंपिंग काफ़ी अच्छी खासी कर रहे हैं, जो मुझे भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे खासे कैंपर्स मिलने वाले हैं और उन लोगों को तो मैं मार दूंगा लेकिन भाई ब्लू जोन खा जाएगा मुझको, देखना आप लोग। अब आते हैं गाइस इस वाले गेम की तरफ, और इस गेम में मैं आपको रोबोटिक डॉग को दिखाऊंगा वो कैसे कैसे काम करता है, और सारे एड्रेस यहाँ पर लिखे हैं कौन सी चीज़ कहाँ पर मिलेगी। देखो हम येलो टिक पे भी चले गए, सब जगह चले गए, और हम अभी वाइट टिक पे नहीं गए। वाइट टिक पे पेट्रोल रोबोट जो है यही वो है रोबोटिक डॉग, ठीक है। शुरू में तो हम यहाँ पर उतरे, हमने सोचा कोई बंदे वंदे होंगे लेकिन कोई बंदे नहीं थे, और रोबोटिक डॉग के पास अब हम लोग आ जाते हैं। अब देखो इसको एक्टिवेट करता हूँ मैं, और ये मुझको अब सारी लूट बताएगा आसपास की, देखो लूट बता रहा है। और ये फॉलो पे है अभी, ये मुझे फॉलो ही कर रहा है, ठीक है। अब मैं फॉलो से स्टैंड बाई कर दूंगा इसको तो ये वहीं पर ही रहेगा, जहाँ पर खड़ा है ये वहीं पर ही रहेगा, तुम लोग कहीं पर ही जाओ। और अगर इसको दोबारा से स्टैंड बाई से फॉलो कर दोगे तो आपको ये फॉलो करेगा, देखो अभी ये देखो मुझको फॉलो करेगा अभी, काफ़ी अच्छा हेल्पफुल रहेगा ये लूट करने में, अगर आपको आसपास दिख जाए तो उसको यूज़ कर सकते हो। और ये थी गाइस आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी, और यार लाइक कर जाना जाते जाते, और नए बंदे सब्सक्राइब भी कर जाना। मिलते हैं अगले गेम पे लेंगे वीडियो में, तब तक क्लिप बाय।